दोस्तों आपको ये बताने जा रहा हूँ कि गर्ल्स के अंदर अगर 16 ईयर तक भी पीरियड ना आए, इस कंडीशन को बोलते प्राइमरी एमिनोरिया। नॉर्मली ऑलमोस्ट ऑल गर्ल्स 16 ईयर तक पीरियड आ जाते हैं यानी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, तो अगर 16 साल तक भी पीरियड ना आए इसका मतलब कि उसके अंदर हार्मोन कमी है या उसके अंदर यूट्रस कमी है। तो ऐसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कमी हार्मोन की है यूट्रस की है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, सीरम एस्ट्राडियोल, सीरम LH, सीरम FSH, प्रोलैक्टिन, थायराइड टेस्ट एंड एंटी मुलेरियन हार्मोन AMH, प्लस अगर चेहरे पर अनचाहे बाल हो तो मेल हार्मोन टेस्ट भी करते हैं हम लोग, टोटल टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन एंड एंडोस्ट्रोजन 17 वेट प्रेस्ट्रॉन एंड DHEAS, ये 5 मेल हार्मोन होते हैं। तो अगर किसी गर्ल को पीरियड नहीं आ रहे हैं तो फिर हम लोग उनको क्या करते हैं कि एक गोली देते हैं प्रेस्ट्रॉन 5 दिन के लिए। अगर उस गोली से पीरियड आ गया इसका, तो उस गर्ल के अंदर ईस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन बन रहा लेकिन उसके अंदर ओवुलेशन न होने की वजह से उसको पीरियड नहीं आ रहे हैं, तो बीमारी क्या हो सकती है। अगर गोली से पीरियड आ गया तो ईस्ट्रोजन बन रहा, मोस्ट लाइकली PCOD है, और गोली से पीरियड ना आए इसका उस गर्ल के अंदर ईस्ट्रोजन नहीं बन रहा। फिर हम जब सारे हार्मोन चेक करते हैं तो अगर एस्ट्राडियोल लो है, जैसे इस गर्ल का भी मैंने जब चेक किया है इसका एस्ट्राडियोल लो है, एस्ट्राडियोल लो होने के मतलब कि उसके अंदर एस्ट्राडियोल फीमेल हार्मोन ओवरी काम नहीं कर रहा, तो अगर ओवरी काम नहीं कर रहा इसका मतलब कि या तो गड़बड़ी ओवरी के अंदर है कि ओवरी के अंदर एक बनाने की कैपेसिटी ईस्ट्रोजन बनाने की कैपेसिटी नहीं है, या पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में होता है वहाँ से LH FSH निकलता है जो ओवरी को डेवलप कराता है। तो जब भी किसी गर्ल के अंदर ईस्ट्रोजन कम है एंड पीरियड नहीं आ रहे हैं तो या तो गड़बड़ पिट्यूटरी के अंदर है या फिर ओवरी के अंदर है। अगर एस्ट्राडियोल लो है, जैसे इनका एस्ट्राडियोल लो है इसका तो ओवरी जो है काम नहीं कर रहा, और एस्ट्राडियोल लो के साथ साथ AMH क्या होता है कि ये बताता है कि ओवरी के अंदर एक्स कितने हैं। अगर AMH नॉर्मल है इसका तो ओवरी का स्ट्रक्चर नॉर्मल है, फंक्शन नहीं कर पा रहा क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से, ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वहाँ से LHFH कमी है। नॉर्मली जान लें जब भी किसी को ओवरी के अंदर ईस्ट्रोजन कम बनता है यानी एस्ट्राडियोल ब्लड में लो है तो आइडियली पिट्यूटरी ग्लैंड अगर नॉर्मल होता तो LHFH बढ़ के आना चाहिए था। बॉडी सिस्टम क्या होता है कि जब भी हार्मोन कम होता है, मतलब ओवरी हार्मोन एस्ट्रोजन कम बना रहा है तो पिट्यूटरी में मोर LHFH बनाता है हाई अमाउंट में टू स्टिमुलेट ओवरी टू मेक मोर एस्ट्राडियोल। तो अगर किसी का एस्ट्राडियोल लो है और LHFH भी नॉर्मल या लो है जो कमी पिट्यूटरी के अंदर है, अगर किसी एस्ट्राडियोल लो है और LHFH हाई है तो कमी ओवरी के अंदर है। तो इस गर्ल के अंदर LHFH नॉर्मल का आ रहा 3 और 4 आ रहा और एस्ट्राडियोल काफ़ी लो आ रहा, इसका AMH नॉर्मल है और एस्ट्राडियोल आ रहा इनका केवल 20, नॉर्मली एस्ट्राडियोल शुड बी मोर देन 60। तो इस बच्ची के अंदर LHFH नॉर्मल है, एस्ट्राडियोल नॉर्मल, AMH नॉर्मल है, इसका मतलब गड़बड़ पिट्यूटरी के अंदर है, इसे बोलते हैं हम लोग हाइपो LHFH, बोलते हैं गोनाड्रोपिन, बोलते हैं गोनाड्रोपिन, तो ये बोलते हैं हाइपोगोनाड्रोपिक हाइपोगोनाड्रिज्म। अब इसका हम MRI करेंगे, MRI क्या निकल सकता है कि पिट्यूटरी के अंदर LHFH फॉर्मिंग सेल काम नहीं कर रही, इसे बोलते हैं हम लोग इडियोपैथिक हाइपोगोनाड्रोपिक हाइपोगोनाड्रिज्म, क्योंकि बिना अदर बीमारी के LHFH फॉर्मिंग सेल्स काम नहीं कर रही हैं। सेकेंड हो सकता है कि पिट्यूटरी पूरी तरह डेवलप ना हो। थर्ड सब आपको पिट्यूटरी एरिया कोई ट्यूमर हो, गांठ हो, ट्यूमर कुछ हो, ऐसी चीज़ें हो जो कि LHFH को बनाने नहीं दे रहा है। बट 99% केसेज में पिट्यूटरी के अंदर LHFH फॉर्मिंग सेल डेवलप नहीं होती हैं जिसकी वजह से LHFH बढ़ नहीं पाता, जिसकी वजह से ओवरी ग्रो नहीं कर पाती और LHFH कभी की वजह से एस्ट्राडियोल नहीं बना पाती है जिसकी वजह से पीरियड नहीं होते हैं। तो अब सपोज हमने वाले इसका MRI किया तो मोस्ट लाइकली MRI क्या निकले, नॉर्मल निकलेगा, कोई ट्यूमर नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब कि ये बनेगी डायग्नोसिस बनेगी एमिनोरिया ड्यू टू
LHFSH डेफिशिएंसी पिट्यूटरी कॉज, ठीक है। ऐसे में क्या करना होगा, इस गर्ल को हमें देना पड़ेगा ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट देना पड़ेगा, जो कि अलग अलग गोली के रूप में भी आती है, जो कि 21 दिन खाना होता है, साथ ही बंद करना, उसे पीरियड टाइम पे आएंगे, या सिंपली ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स आते हैं, गर्भ निरोधक गोली आती है, उसमें 21 गोली पत्ता होता है, वो 21 दिन खाओ, बंद करो, सात दिन पीरियड आ जाएगा, फिर 21 दिन खाओ, ऐसे करना पड़ता है। इससे क्या होगा, टाइम टाइम पीरियड आते रहेंगे। और अभी बच्ची 16 साल की है, 18 साल की है ना, 18 साल की है। कभी ऐसा भी होता है कि किसी किसी गर्ल के अंदर 21 साल तक हार्मोन सिस्टम डेवलप पूरी तरह नहीं हो पाते हैं, तो जब बच्ची 21 साल हो जाएगी तो हम फिर से ओसीपी बंद करेंगे, लोग बंद कर देखेंगे कि हार्मोन क्या पूछना आती है। सम टाइम रेयरली ऐसा होता है कि 21 साल तक पूरे हार्मोन डेवलप नहीं हो पाते हैं, तो इसे डिसाइड किया हमने कि अगर फीमेल हार्मोन लो है LHF नॉर्मल पिट्यूटरी कॉज हो गया, LHF हाई तो ओवरी कॉज हो गया, एंड आफ्टर 21 फिर डिसाइड करेंगे कि हम इसको हार्मोन जो कमी परमानेंट है या टेम्परेरी है। अगर 21 साल बाद बंद करने के बाद हार्मोन ठीक नहीं हुए, पीरियड नहीं आया, तो फिर इसको लाइफ लॉन्ग फीमेल हार्मोन ट्रीटमेंट देना पड़ेगा कम से कम 35 साल उम्र तक। ऐसी कर जब कोई प्रेगनेंसी चाहिए उनको, क्योंकि ओवरी तो डेवलप हो जाए दवा खाने से, तो प्रेगनेंसी चाहिए तो उसको किसी और से एक मांगना पड़ेगा, एक डोनेशन लेकर के और हस्बैंड की सीमेल लेकर के इसका बच्चा भी हो सकता है। तो आपने इस तरह देखा कि कैसे पीरियड ना आने कैसे अप्रोच करना चाहिए। हाँ, एक और, कभी कभी यूट्रस न डेवलप करने से भी पीरियड नहीं आते हैं, उस कंडीशन क्या होगा कि उसके सारे हार्मोन नॉर्मल होंगे, LHF नॉर्मल होगा, MRI नॉर्मल होगा, बट जब आप ओरल कंट्रासेप्टिव पिल लोगे तो एक साइकिल दो साइकिल कितने साइकिल पीरियड नहीं आएंगे, ओवरी डेवलप यूट्रस डेवलप नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसे बोलते हैं हाइपरप्लास्टिक यूट्रस।